ओम शांति, नमस्ते। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सी द सोलर ट्विलाइट में। और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में फॉगी बहुत है। हम शबरी नाइटिंगल पार्क में हैं। फिर से बारिश नहीं हो रही है, अच्छा दिन चल रहा है, जबकि सूरज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। आप मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या है। तो देखें आज परमपिता परमात्मा हमें कैसे कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान नहीं ले पाता तो आप उसको गुण और शक्तियाँ कैसे इस्तेमाल करो उसका, ताकि मन स्टेबलाइज हो जाए, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, एंग्जाइटी से बाहर आ जाए, उसके मन में स्थिरता आ जाए, उसकी बुद्धि में विवेक आ जाए। आप उसको वो चीज़ दे दो, उसके बाद में उसकी अवस्था हो जाएगी कि वो ज्ञान भी ले पाएगा। कहीं कहीं ऐसे लोग हम मिलते हैं जिनको कि ज्ञान लेना उनको समझ नहीं आता, बिकॉज उनके जीवन में इतना डिप्रेशन होता है, इतनी नेगेटिविटी होती है, इतनी अपने बारे में गलत सोच होती है, इतने अपने आप को कोस रहे होते हैं कि पहले वो अपने आप को उस चीज़ से तो बाहर निकालें। कि कोई इंसान जब अपने आप को कोसता हो वो कैसे ज्ञान लेगा, कोई इंसान बिल्कुल ड्रिंकिंग में हो, डिप्रेशन में, वो कैसे ज्ञान लेगा। तो परमात्मा तभी कहते हैं कि औरों को ज़रूरी नहीं कि आप सीधा ज्ञान दो, आप सीधा आत्मा और परमात्मा ज्ञान ना दे पाओ, तो आप आत्मा के गुणों का ज्ञान दो, आत्मा के अंदर क्या शक्तियाँ होती हैं उसको ज्ञान दो, और उनको हेल्प करो उसको यूज़ करने में डेली लाइफ में, ताकि वो अपने लेवल में ऊपर आ पाए, अपनी स्टेज में ऊपर आए, और जिस दलदल में फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर निकल पाए। तो देखिए परमात्मा कहते हैं, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। परमात्मा कह रहा है अपनी शक्ति द्वारा, जो कि हमने किससे मिली है, परमात्मा से मिली है। जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज में आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि आत्मा के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कितनी शक्तियाँ होती हैं, उसके अंदर क्या क्या सोच हो सकती है, क्या क्या उसके अंदर ब्रेकिंग पावर, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति हो सकती है, कैसे हम आत्मा अपने साथ बातें करके अपने थॉट्स को हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, ये भी हमें पता नहीं होता है, क्योंकि किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। तो ये कैसे करें ताकि हमारा बोलना कम हो, दिन भर हम अपने आप को एक्सप्लेन ही करते रहते हैं औरों को, हम औरों को बताते रह जाते हैं, औरों से अप्रूवल लेते रह जाते हैं दिन भर हम। परमात्मा चाहते हैं कि हम ये चीज़ कम करें ताकि हमारे अंदर शक्ति बढ़े, कि हम कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये सब समझ आ जाए। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति वाले, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है, जिन्होंने मेडिटेशन करके शक्तियों को, नॉलेज को, विजडम को यूज़ किया है और अपने मन को एकाग्र कर दिया है, तो श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों, परमात्मा द्वारा उनकी सेवा क्या है, परमात्मा द्वारा जो प्राप्त गुण हैं और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। अज्ञानी आत्माएं कौन होगी, जिनको पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें किस तरीके से जीवन में व्यतीत करना है, अपना जीवन क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको पता ही नहीं है, वो ऑटो पायलट में चल रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया दुखी हो गए, किसी ने कुछ कह दिया थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, बल्कि मन पर उनकी एकाग्रता, मन पर उनका कंट्रोल नहीं है, उनको कहते हैं अज्ञानी आत्माएं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उनको गुण और वो शक्तियाँ दें जिससे कि उनको पता चले कि इस समय मुझे धैर्यता अपनानी है, इस समय मुझे नम्रता से बात करनी है, इस समय मुझे थोड़ा चुप हो जाना है, इस समय मुझे बोलना है, इस समय मुझे सामना करना है, इस समय मुझे ध्यान में बैठ जाना है, इस समय मुझे टॉलरेट करना है, इस समय मुझे सहयोग करना है, यानी कि चुप होकर गुस्सा होकर के बैठ के, मूड ऑफ करके बैठ के, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं। परमात्मा कहते हैं आप ये शक्तियाँ और ये गुण उनको समझाओ, क्योंकि वो क्या हो गया, वो जैसे गिटार होता है ना जो कि ट्यूनिंग नहीं होती है, वो वैसे टाइप का अपना जीवन बता रहे हैं, उनका ट्यूनिंग नहीं हुई हुई है। तो गुण और शक्तियाँ क्या करती है, जैसे गिटार की हम ट्यूनिंग करते हैं वैसे ही मन बुद्धि की ट्यूनिंग कर देती है, तो वो हर एक परिस्थिति में कैसे चलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो उनके अंदर विवेक आ जाता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हमने जो ज्ञान लिया है, परमात्मा से मिला है, उसमें से जो गुण और शक्तियाँ हैं वो औरों को हम समझाएं कैसे यूज़ करनी है। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्मा को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। ब्राह्मण आत्मा को आप ज्ञान नहीं दे सकते, ब्राह्मण आत्मा को आप हेल्प कर सकते हो। देखो ऐसे करा जाए तो कैसे रहेगा, ऐसे ना करें क्या, ऐसे करें तो क्या है, और अज्ञानी आत्मा को देखो आप ऐसे करो, ऐसे सोचो बोल सकते हो, ब्राह्मण आत्मा को ऐसे करो, ऐसे सोचो नहीं बोल सकते। क्या हम ऐसे करें, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, यह है गाइड करना या कोऑपरेट करना उनके साथ में। फिर परमात्मा कहते हैं निर्बल को शक्तिवान बनाना, निर्बल आत्मा को शक्तिवान बनाना, जो कि हाय मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे को नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, वो सारे संकल्पों को निकाल करके उनके अंदर दृढ़ता लेके आ जाना, उनके अंदर शक्ति लेके आ जाना। फिर यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। परमात्मा कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ दान है, किसी को धन देना, खाना देना, छत देना, बंगला गाड़ी देना, वो एक समय का दान हो गया, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ विनाशी है ना आसपास,
तो परमात्मा कहते हैं लेकिन ये जो ज्ञान है ये कभी विनाश हो ही नहीं सकता, ये आपने उनको शक्ति दे दी, गुण दे दिए, कैसे संभालना है अपने मन को ये दे दिया, वो जीवन भर के लिए वो क्या हो गए, अमीर बन गए, सबसे शक्तिशाली बन गए। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे वाणी द्वारा, अभी हम वाणी से बात कर रहे हैं, वह मनसा द्वारा मेडिटेशन करके सबको हम कह सकते हैं पावर दे सकते हैं, मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का संयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्त कराओ। तो सिर्फ वाणी से नहीं, उनको आप हेल्प करो कि देखो ये सिचुएशन आई तो मैंने ऐसे बिहेव किया, ऐसे रिएक्ट किया, वो देख पाए। और इंसान देख करके जल्दी सीखता है, बच्चे भी देख करके जल्दी सीखते हैं। आज बोलते बहुत कोई लोग हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन करते कितना है, उस पर चलते कितना है, वो देखना चाहता है आज इंसान। तो ये करें कैसे, आपको इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, ब्रह्म कुमारी जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी सारी आत्मा हैं, कितने सारे लोग हैं, अनेक अनेक धर्मों के हैं जो कि इस ज्ञान को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख शांति पाए हैं। तो इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो, ओम शांति।